नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। आजकल आपने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा होगा। पहले काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं थी क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, लेकिन अब मीडिया के जरिए और सोशल मीडिया वगैरह से यूट्यूब से काफ़ी जानकारी लोगों को मिलने लगी है और काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी जो है मार्केट पे डिपेंड करता है, इसका प्राइस अप डाउन वगैरह, तो इसमें आने से पहले अपना अच्छी तरह सोच लें। हमारा केवल इतना मतलब है कि आपको जानकारी देना है, ट्रेडिंग करनी है नहीं करनी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे से कोई पर्सनली विजन नहीं है। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में आने से पहले आप ये सोच लीजिए कि जितनी भी जो कॉइन है, क्रिप्टो करेंसी है, ये वर्चुअल करेंसी होती है। इसको हम कैसे खरीद सकते हैं, कैसे सेल कर सकते हैं, कैसे बाई कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों हम लोगों को एक्सचेंज पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कई सारे एक्सचेंज हैं मौजूद, अगर आप बिनेंस पे जाना चाहें तो बिनेंस पे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पे ये बिनेंस काफ़ी अच्छा एक्सचेंज है, इस पर अपना अकाउंट आप रजिस्टर कर सकते हो। मैं इसका लिंक नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके अपना रजिस्टर कर सकते हो। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, मोबाइल नंबर आपको इसमें डालना पड़ेगा, ओटीपी आता है मेल पे मोबाइल पे रजिस्टर कर देना है। अगर आप गूगल ऑथेंटिकेटर के बारे में नॉलेज रखते हैं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। और इसमें अगर आपको ज़्यादा ट्रेड करनी है तो आप इसमें KYC भी कर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इसमें अकाउंट बना लेंगे, लॉगिन पर जाएंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा, वॉलेट बन जाएगा। फिर इसमें कई तरह की कॉइन होती हैं, जैसे कि मैं आपको देखो अपना ये वजीरेक का अकाउंट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कई तरह की कॉइन आ रही हैं, डॉगी मैट्रिक, USDT, BTC, WIN, WRX, XRP, Ethereum, BTT। पहले ये कॉइन के बारे में कोई नहीं जानता था, अब जैसे जैसे बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है तो लोगों को अब पता चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी भी एक एग्जिस्ट करती है यहाँ पे वर्चुअल वर्ल्ड में। अब दोस्तों, इसमें अगर आप शुरुआत करना चाहते तो आप 1500 रुपये से भी शुरुआत कर सकते, ज़रूरी नहीं है इसमें काफ़ी रुपये फंसाएं, आप जस्ट अपने नॉलेज के लिए भी इसको कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस वॉलेट में ज़्यादा तो नहीं, मेरा 1100 रुपये लगभग कुछ पड़ा हुआ है, मेरा 650 रुपये इसमें पड़ा हुआ था एक वॉलेट में, तो उसी को मैंने ट्रेड किया है बीच में। XBG कॉइन मैंने ली थी, उससे मैंने प्रॉफिट किया है। फिर उसके बाद मैंने BTT कॉइन लिया था, BTT से मैंने इसमें गेन किया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें अभी लास्ट टाइम आपकी बिन कॉइन WIN बिन ये वाली कॉइन मैंने लिया, तो इसको देखो मैं दिखा भी देता हूँ मैंने कब कितने पे लिया था। ये हमारे ऑर्डर्स हैं, मैंने ये कॉइन परचेज की थी 0.0983 रुपीस में, फिर मैंने ये सेल आउट की थी 0.1124 में, उसमें मुझे लगभग 150 रुपये इसमें मिल गया था एक्स्ट्रा। तो मैंने केवल आप लोगों को दिखाने के लिए एक अकाउंट बना रखा है, इसमें मैं ट्रेड करके दिखाता हूँ कैसे क्या। मैंने देखो XBG भी लिया था, देखो ये भी मैंने 47 पे लिया है, नहीं सॉरी 0.4103 पे लिया था और सेल किया है 0.4703 पर। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो, बस कोई भी कॉइन लेने से पहले आपको मार्केट में एनालिसिस करना पड़ेगा, उस कॉइन के बारे में जानकारी। कॉइन मार्केट कैप, कॉइन मार्केट कैप एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें सारी कॉइन जो भी हैं, जितने भी एक्सचेंज हैं, वो कॉइन किस किस एक्सचेंज पे आपके मिल जाएगी, आपके अवेलेबल है, वो सारे एक्सचेंज के नाम भी दिए हुए होते हैं। केवल आपको यहाँ पर एक कॉइन का नाम सर्च करना है, जैसे कि मैं अभी बिन कॉइन इसके बारे में बता रहा हूँ। बिन कॉइन जो है
इसका प्राइस अभी कर दिया चल रहा है, और इसका दोस्तों इवेंट आने वाला है तो इसका प्राइस 30 जून तक आप हो सकता है। इस कॉइन को आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। देखिए आपके ये किस किस एक्सचेंज पे आपको मिल सकती है, बैलेंस पे है और टू कॉइन पे भी है, आपको वजीरेक्स पे भी मिल जाएगी, वजीरेक्स पे भी है देखिए, एंड डीसीएफ पे भी मिल जाएगी। आप किसी भी एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बना सकते हैं और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के, जैसे कि मैंने अभी लास्ट तीन चार साल हो गए मुझे करते हुए, तो दोस्तों अब चलते हैं वजीरेक्स पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले से ऑलरेडी ये कॉइन अभी परचेज कर ली है, बिन कॉइन। अब मैं इसको होल्ड करूँगा, ये मेरे वॉलेट में पड़ी हुई है मेरे यहाँ पे। इसको मैं 30 जून तक होल्ड करूँगा, देखता हूँ क्या प्राइस है, अगर अच्छा लगेगा तो मैं पहले ही सेल आउट कर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है 30 जून की करूँ। इस तरह से आप अपना वजीरेक्स पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं, बिनेंस पे कर सकती हैं। वजीरेक्स पे जाएंगे तो आपको INR में डिपोजिट करने में आसानी रहेगी। और दोस्तों मार्केट में आने पर इससे पहले क्रिप्टो में इसकी जानकारी ले लें तभी आए। और दोस्तों एक दिन में तो कोई पैसे वाला नहीं बन सकता है, लेकिन अगर आप धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इसको ऐसे मान के चलिए कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है और नॉलेज के लिए ट्रेड करिए, थोड़ा थोड़ा अर्न करिए। जब आपको ट्रेडिंग की नॉलेज अच्छी तरह से हो जाए तो आप थोड़ा अमाउंट अपना बढ़ा सकते हैं। तो क्रिप्टो में आइए, काफ़ी अच्छा मार्केट है, मैं काफ़ी सालों से इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। कभी कभी हम लोग नुकसान भी हो जाता है, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है तो हम अब पता रहता है कि कौन सी कॉइन में मुझे जाना चाहिए, कौन सी में नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैं इस कॉइन के बारे में जानकारी ले लेता हूँ। और दोस्तों हर कॉइन का ग्राफ आता है, इस ग्राफ के जरिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉइन मार्केट में कब अप हुआ कब डाउन हुआ। इस ग्राफ में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ना ये बेसिस का ये रखा है, इस तरह से बेस पे जाके आप पता कर सकते हो कि कहाँ से कहाँ बढ़ा है। अगर इस प्राइस पे वापस आता है तो वापस खरीद सकते हो और इंतजार कर सकते हो। मार्केट में कभी भी दोस्तों जब मार्केट ज़्यादा हाई होता है तो वहाँ पे परचेज ना करें, थोड़ा इंतजार करें, उसमें देख लें ग्राफ में कितना वीडियो में इसका रेट था, कब किस टाइम पे था, सारा कुछ पता चल जाता है। तो आप INR यानी कि रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप USDT में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको INR से USDT परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे और अपना जो भी फंड है 50% एक्सचेंज करना चाहते हैं रुपीज को USDT में, 100% करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। ये अभी आपका USDT का प्राइस देख लेते हैं कहाँ मिलेगा। INR में ये गए, यहाँ पे USDT ये देख लिया, USDT का प्राइस अभी ये चल रहा है, सेलिंग प्राइस की बिड लगी हुई है, ये बाइंग की बिड लगी हुई है। यहाँ से आप अपना बाई की बिड लगा के जो भी आप लगा दें, जरूरी दोस्तों ये मार्केट में आप सबसे अप बिड चल रही वही सिलेक्ट करें, आप डाउन की भी लगा दें अगर रेट डाउन आएगा। हमने यहाँ पे लगा दिया मैंने, तो यहाँ पे आपका इस रेट पे परचेज हो जाएगा, जब तक आपका ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग दिखाई देगा। जैसे कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से आपका यहाँ पे ऑर्डर कंप्लीट दिखाई देगा। ग्रीन का मतलब होता है कि आपने बाई कर लिया और रेड का मतलब होता है सेल कर लिया। फिर आप जब आपका USDT आ जाएगा तो इसमें पेयर चलते हैं, INR में पेयर चलता है डॉगी टू INR, मैटी टू INR, USDT टू INR। तो जब आपके पास USDT आ जाएगा तो आपका USDT में पेयर चलने लगेगा, कोई भी कॉइन आप USDT में बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, बाकी की जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। कई सारे ट्रेड इसमें और भी हैं, इसमें पेयर रहता है, BTC का पेयर रहता है, BTC बिटकॉइन है अपना। लेकिन बिटकॉइन अगर नहीं चाहते, कोई स्टेबल करेंसी आप चाहते हैं उसी में ट्रेड करें तो आप USDT से कर सकते हैं ट्रेड।
यूएसडीटी को आप इवन होल्ड भी करके रख सकते हैं, उसका ज़्यादा प्राइस कम नहीं होता है। जैसे आपको लगता है कि भाई प्राइस ज़्यादा कम ना हो हमारे कॉइन का और हमारा फंड बचा रहे, तो आप INR भी रख सकती हैं या यूएसडीटी में कन्वर्ट करके रख सकते हैं। जब भी आपको ट्रेड करनी हो तो यूएसडीटी या INR से बाई कर सकते हैं और ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, KYC वगैरह करने में कोई प्रॉब्लम आए या फिर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। इसके बाद मैं आपको कॉइन DCX एक्सचेंज है उसके बारे में भी बताऊंगा और बाइनेंस के बारे में बताऊंगा किस तरह से यूज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, चैनल मेरा नया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें।